हाय एवरीवन, दिस इज़ युक्ति बेलवाल और इस वक्त मैं नेपाल में हूँ। नेपाल की काठमांडू यूनिवर्सिटी कैंपस में हम लोग हैं। ये कैंपस काफ़ी बड़ा है, एक शॉट में आपको दिखाना मुश्किल है, पर ये काफ़ी बड़ा कैंपस है। दे आर डिफरेंट बिल्डिंग्स ओवर हियर। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, फार्मेसी भी होती है, जो भी मेडिकल के और सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा इनका मेडिकल कैंपस भी है जो दूसरी तरफ है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी, काठमांडू यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स, जो कि सब लोग जानते हैं कि जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये उनका मेन कैंपस है। इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ भी पढ़ने के लिए आ सकते हैं। तो आज हम इस कैंपस को रिव्यू करने आए हैं। जहाँ तक अभी लग रहा है कि कैंपस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये काफ़ी दूर तक कैंपस है, उस तरफ देखिए कि वहाँ पे बास्केटबॉल का वो चल रहा है और यहाँ पे अभी इस वक्त पेप्सी का एक इवेंट भी चल रहा है जहाँ पे बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए काठमांडू यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आप MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपका नीट स्कोर 200 मार्क्स से ऊपर है और जब कोई आपसे पूछता है माउंटेन्स या बीचेस और आप सिलेक्ट करते हैं माउंटेन्स, तो आप पढ़ने आ सकते हैं काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस में। प्री क्लिनिकल का इनका कैंपस है। ये जो जगह है वो धुलीखेल में है, नेपाल की एक सिटी है धुलीखेल, वहाँ पे ये कॉलेज सिचुएटेड है। धुलीखेल हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है, काफ़ी अच्छा कैंपस है और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, इवन को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे बास्केटबॉल वगैरह ग्राउंड भी अवेलेबल है। और अगर आप नेपाल को एज अ डेस्टिनेशन अपनी चूज़ करना चाहते हैं MBBS के लिए, तो काठमांडू यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाय एवरीवन, दिस इज युक्ति बेलवाल और इस वक्त हम लोग धुलीखेल हॉस्पिटल में हैं और ये जो है काठमांडू यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चे अपने क्लिनिकल्स के लिए आते हैं। इस तरफ जो ये डिपार्टमेंट है ये OPD डिपार्टमेंट है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन हुआ है, और ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है और यहाँ पे क्लासेस भी बच्चों की लगती है सेकेंड ईयर के बाद। ये हमने यहाँ पे हमने देख लिया है सारा। तो आपने इस वीडियो में देखा होगा कि क्या हॉस्पिटल है, कौन सा हॉस्पिटल एफिलेटेड है KUSMS द्वारा, और कितना बड़ा हॉस्पिटल है, सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। तो देखा जाए तो वी कैन से दैट द स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे, इंटर्नशिप का जो उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए वो काफ़ी अच्छा मिलेगा।